15 अत्यधिकता से बचें। आपका शरीर एक सामान है जिसे आपको संपूर्ण जीवन भर ढोना है। जितना अधिक सामान उतनी कम आयु। आर्नल्ड एच ग्लासगो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस 5:8। किसी ने एक बार कहा, अत्यधिकता शैतान का खेल का मैदान है। जिस समय हम किसी भी बात के विषय में अत्यधिक हो जाते हैं, तब हम संतुलन में नहीं रहते। परमेश्वर के वचन के अनुसार संतुलन की कमी शैतान के लिए द्वार खोल देता है। एक महत्वपूर्ण बात जो शैतान करना चाहता है वह यह कि हमारा आनंद छीनकर हमें अत्यधिकता की ओर धकेलना, वस्तुओं का उपयोग कर पाने की क्षमता से अधिक होना हमारे जीवन को उलझनयुक्त बना देता है। यह ऐसा है जैसे एक छोटा बालक बिस्कुट की बर्नी में हाथ डालकर एक ही बार में अधिक से अधिक बिस्कुट बाहर निकालने का प्रयत्न करता हो। वह अपना हाथ बर्नी से बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए उसका हाथ बिस्कुटों समेत बर्नी में फंस जाता है। अत्यधिकता उलझनयुक्त बन जाती है। यदि आप जीवन की ओर साधारण व्यवहार रखना चाहते हैं, तो संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक बोलने से समस्याएं उत्पन्न होती है। अत्यधिक खाने से समस्याएं उत्पन्न होती है। अत्यधिक कर्ज समस्याएं उत्पन्न करता है। अत्यधिकता एक समस्या ही है। पवित्र शास्त्र पेड़ की छटाई के विषय में बताता है। देखिए यशायाह 18:5, वर्टिकल बार माली जब देखता है कि उसके बगीचे में किसी एक पेड़ में सामान्य से अधिक शाखाएं हैं या कुछ रोगी शाखाएं हैं, तब वह उनको छांटता है या काटकर अलग कर देता है। कुछ अत्यधिक शाखाओं को चूसने वाली शाखाएं कहा गया है। वह पेड़ के तने के निचले हिस्से में उगती है। वह पेड़ के जीवन सत्व को प्राप्त तो करती है, परंतु पेड़ की मौलिकता में सहायक नहीं होती है, क्योंकि यह शाखाएं फल नहीं देती है। माली को इन शाखाओं को काटकर अलग करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वह संपूर्ण पेड़ को कमजोर और अनाकर्षक बना देंगी। मुझे स्मरण है एक बार देव ने हमारे बगीचे के एक पेड़ की छटाई की। देव ने उसकी इतनी छटाई की कि मैंने सोचा अब यह पेड़ जीवित नहीं रहेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया और लगा कि यह पेड़ विद्रूप दिखता है। देव ने मुझे बताया कि यदि मैं थोड़ी सहनशीलता से प्रतीक्षा करूं, तो अगले वसंत ऋतु में उस पेड़ को पहले से अधिक सुंदर देख पाऊंगी। और वास्तव में उस पेड़ को छांटा गया था और अत्यधिक तथा अनावश्यक शाखाओं को हटाया गया था। वह हमारे बगीचे में सबसे सुंदर पेड़ दिखाई देने लगा। आपको जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसे हटाने या निकालकर बाहर करने से ना डरे। मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से परमेश्वर के लिए आपको और अधिक आशीष देने के लिए मार्ग खुल जाता है। यदि आपके पास इतनी अधिक वस्तुएं हैं जिन्हें आप उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें किसी और को दें जो उनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ही जीवन में भविष्य की उत्तम फसल के लिए बीज बोते हैं। भौतिक वस्तुओं के अलावा भी हम जीवन में कुछ अन्य बातों की अधिकता का अनुभव करते हैं। यदि आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो आहार की मात्रा में कटौती करें और परिणाम धीरे धीरे आपके सामने होगा। आपके बोलने के कारण यदि आपके आपसी संबंधों में समस्या उत्पन्न होती है, तो आपको बोलना कम करके अधिक सुनना चाहिए। अत्यधिकता को ना कहकर आज ही अपने जीवन से उलझन व समस्याओं को दूर करें। 16 कर्ज से दूर रहें। कर्ज सबसे भयानक गरीबी है। थॉमस फुल्लर। धनी
निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। नीतिवचन 22 का 7। एक अत्यंत भयानक बात जो हमारे जीवन को तनाव, अत्यधिक चिंता और घुटनयुक्त उलझन से व्याप्त कर देता है वह है आर्थिक कर्ज। अत्यधिक कर्ज हमारे जीवन को आवश्यकता से अधिक उलझनयुक्त बना देता है और उधार लेने वाले पर अधिक दबाव बन जाता है। इसके कारण वैवाहिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न होता है। परीक्षण द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि दबाव इतना अधिक हो जाता है कि वह अनेक दंपतियों में तलाक का मूल कारण बन जाता है। हमारा समाज व्यक्ति को कर्ज में जाना आसान बना देता है। व्यापारी आपको क्रेडिट कार्ड द्वारा वस्तु अभी खरीद कर बाद में पैसा चुकाने के लिए लुभाते हैं। अमेरिका में यह करोड़ों डॉलर्स का व्यापार है, जहां उसी रकम का उपयोग लोगों को और अधिक क्रेडिट कार्ड पर खरीददारी करने के लिए लुभाने वाले विज्ञापनों पर खर्च किए जाते हैं। आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां लोगों के पास संयम नहीं और वे भविष्य के विषय में बहुत कम सोचते हैं। वे आज के क्षण में जीते हैं, परंतु अत्यंत कठिन सत्य यह है कि कल हमेशा आता ही है और कल हमें उस परिणाम का सामना करने पर मजबूर करेगा जो हमने आज किया है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने भावनाओं के आवेश में आकर अंधाधुंध सामान खरीदा और फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए महीनों और शायद सालों तक अत्यधिक तनाव व दबाव का सामना किया। खरीदे हुए सामान का प्रयोग शायद वे अभी भी नहीं करते, परंतु उसका कर्ज चुकाते रहते हैं। ऐसा भी संभव है कि वे जानते भी नहीं कि जिसके लिए वे कर्ज चुका रहे हैं वह वस्तुएं कहाँ हैं, शायद अलमारी में बंद या घर के उस कमरे में जहाँ अनावश्यक वस्तुएं पड़ी होती है। कभी कभी लोग वस्तुएं खरीदते हैं और कभी भी उनका उपयोग नहीं करते। वे बड़ी सेल की दुकान देखते हैं या एक के साथ एक मुफ्त के विज्ञापन को वहाँ से खरीददारी करके घर ले जाते हैं, बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उनके पास वह वस्तु भी है। हमें अधिक सामान खरीदने का नशा हो जाता है और जितना अधिक सामान हमारे पास हो जाता है उतना हमारा जीवन अधिक उलझनयुक्त बन जाता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो सरलता चाहता है उस सरलता की सुंदरता हमारे जीवन से छीन लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए केवल वो ही खरीदे जिसकी आपको आवश्यकता है और थोड़ा वो जो आप खरीदना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, परंतु ऐसा करने के लिए कर्ज में ना जाए। आपको जो चाहिए उसके लिए पैसा बचाना सीखें। पवित्र शास्त्र कहता है जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। नीतिवचन 13:11। मेरे पति के पास पैसों के विषय में अत्यंत उत्तम व सरल योजना है। आपको जो कुछ प्राप्त होता है उसमें से थोड़ा दान दो, थोड़ी बचत करो और थोड़ा खर्च करो और यह सब आपकी क्षमता व सीमा के दायरे में रहकर करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सीमाएं, क्षमता बढ़ेगी और आपके ऊपर कर्ज का दबाव या उलझन नहीं रहेगा। यदि आप पहले ही से कर्ज में डूबे हैं, तो उसमें से बाहर निकलने का निश्चय करें। भूतकाल में आपने जो किया है उसे फिर ना दोहराएं ताकि समस्या अधिक जटिल बन जाए। आपको वर्तमान कर्ज चुकाने के लिए कुछ बातों में त्याग करना पड़ेगा, परंतु ऐसा करना आपके भले के लिए होगा। अपने सिर पर कर्ज का बोझ, लोहे के बड़े गोले को अपने सिर पर हर जगह लेकर घूमने के समान है। अपने बंधन तोड़ दो और उस स्वतंत्रता तथा सरलता का अनुभव लो जो अपने ऊपर कोई कर्ज न होने से मिलता है। 17 मुख्य बात। मुख्य बात को मुख्य बात ही रहने दें। जब आपके पास परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं बचता है, तब पहली बार आप जान जाते हैं कि केवल परमेश्वर ही काफी है। माउंट रॉयडन।
हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। वह हर एक बात जो आपके हृदय में परमेश्वर का स्थान लेती है, ऐसा कोई पर्याय जो परमेश्वर के स्थान पर है, जो आपके जीवन में प्रथम स्थान लेता है, आमीन, ऐसा ही हो। 1 यूहन्ना 5:21। यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है और केवल एक ही स्थान है जिसका वह पूर्ण रूप से हकदार है। उसी से उसको संतुष्टि मिलती है और वह है सब बातों में प्रथम स्थान। हमारे जीवन में सब बातें, मैं कहती हूँ कि हमें यत्न से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, वह है सब बातों में प्रथम स्थान। हमारे जीवन में सब बातें तभी सुव्यवस्थित व सरल हो सकती है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सम्मान के उस प्रथम स्थान में रखने का यत्न से प्रयत्न करते हैं। मैं कहती हूँ कि हमें यत्न से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्यस्तता हमें अपनी प्राथमिकता से दूर ले जाती है और धन संपत्ति के लुभाने वाले जाल में फंसा लेती है। जब अपनी प्राथमिकताओं को उचित स्थान पर रखने की बात आती है, तब यीशु की मार्था और मरियम से भेंट की कहानी में हमें दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है। मरियम तुरंत यीशु के चरणों के निकट बैठ गई, ताकि वो जो कुछ कहता है उसका प्रत्येक शब्द सुन सके। परंतु मार्था घर की स्वच्छता तथा मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त हो गई। वह इस बात से बहुत खिन्न हो गई कि यीशु मरियम को उसकी सहायता करने के लिए नहीं कह रहा था, परंतु उसे यह बता रहा था कि मरियम ने योग्य चुनाव किया है। यीशु ने मार्था को यह भी बताया कि वह अनेक बातों के विषय में चिंतित है, लेकिन यीशु के वहां आने के उद्देश्य को समझ नहीं पा रही है। देखिए लूका 10:38-42। उस दिन मार्था का जीवन अत्यंत तनावपूर्ण और उलझन से भरा रहा, और दूसरी ओर मरियम शांत व संतुष्ट रही। एक और समय पर यीशु उस धनी युवा अधिकारी से मिला जो यह जानना चाहता था कि अनंतकालीन उद्धार पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। जब यीशु ने उससे अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दान देकर उसके पीछे चलने के लिए कहा, तब वह जवान दुखी होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। देखिए लूका 18:18-23। वर्टिकल बार, उसकी संपत्ति ने उसे धोखा दिया। वह समझ नहीं पाया कि यीशु उसे परख रहा था। यदि वह उस संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता, तो परमेश्वर उसको उसके पास जितना था उससे भी अधिक देता। अनेक लोग यही गलती करते हैं। वे भय के कारण उनके पास जो कुछ है उसे थामे रहते हैं, और जो अधिक उन्हें मिल सकता है उसे खो देते हैं। वे उन वस्तुओं का स्वीकार करते हैं जो उन्हें यीशु के समान संतुष्टि नहीं दे सकता। वे अधिक उत्तम को प्राप्त करने के बजाय जो केवल अच्छा है उसी पर निर्भर रहते हैं। अपने जीवन में जो बात मुख्य है उसे उसी मुख्य स्थान पर रहने देने का निर्णय ले। यीशु सबसे मुख्य व महत्वपूर्ण है। सीमाएं निश्चित करें। हमें उन सीमाओं के उस पार देखना अच्छा लगता है जिन्हें हम पार नहीं कर सकते। समुएल जॉनसन, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को डोट बांधा है। प्रेरितों का काम 17:26। ऊपर दिए गए वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर सीमाएं निश्चित करता है, और उसी प्रकार हमें भी सीमाएं निश्चित करनी चाहिए। आपके जीवन में जब कोई सीमा निश्चित नहीं होती है, तो आपकी सुरक्षा भी नहीं होती है। सीमाएं बाड़े के समान होती है। वह उन अनचाहे लोगों तथा वस्तुओं को आपके जीवन से बाहर रखता है। वह सब बातों को अनिश्चित नहीं परंतु निश्चित कर देते हैं।
अनेक लोग सीमाएं बनाने से डरते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि ऐसा करने से लोग क्रोधित हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। हमें स्मरण होना चाहिए कि हम परमेश्वर द्वारा उसके पीछे तथा बुद्धि में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि कोई और हमें यह बताए कि उन्हें खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह तो निश्चित है कि हम लोगों को खुश रखना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताता है कि दूसरों की भलाई के लिए तथा उनके साथ बांटने के लिए हमें कुछ बातों में त्याग भी करना चाहिए। देखिए इब्रानियों 13:16, परंतु इसका अर्थ हमें संदर्भ के साथ जोड़ना चाहिए, इस बात को असंतुलित मात्रा में समझकर लागू नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे छोटी बेटी अपनी एकांतता के विषय में अत्यंत ध्यान रखने वाली है, इसलिए वह सबको यहाँ तक कि मुझे भी बताती है कि पहले ही से जानकारी दिए बगैर हम उसके घर ना जाएं। आरंभ में इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए अहम की बात थी, परंतु उसकी यह इच्छा या विचार बिल्कुल भी अयोग्य नहीं था। अपने मन में कोई गलत भावना या अहर रखे बगैर मुझे उसकी इस विनती का आदर करना आवश्यक था। कोई एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं होता है और हम प्रत्येक की अलग आवश्यकताएं होती है। मेरी सबसे बड़ी बेटी छोटी बेटी से बिल्कुल भिन्न है। वह कहती है, आप मेरे घर कभी भी आ जाओ और किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उसके जीवन में कुछ और क्षेत्र ऐसे हैं, जहां उसकी सीमाएं मेरी छोटी बेटी से भी अधिक सख्त है। हमें केवल हमारी अपनी सीमाएं निश्चित नहीं करनी, परंतु दूसरों की सीमाओं का भी आदर करना चाहिए। यही एक मार्ग है कि वह हमारी भी सीमाओं का आदर कर सकते हैं। हम हमेशा ही यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग जो व्यवहार करते हैं वह ऐसा क्यों करते हैं, परंतु वह जैसे है वैसे होने के उनके अधिकार का हमें आदर करना चाहिए। सीमाओं के बगैर जीवन अत्यंत उलझनयुक्त बन जाता है, विशेष रूप से जब कोई सीमा या निश्चित नियम ना होने से जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगेगा, ना कहने से हम अपनी सीमा निश्चित करते हैं, अक्सर ऐसा लगेगा कि लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं, या हम ऐसे स्थान में हैं, जहां हम वास्तव में वह नहीं होना चाहते हैं, जो हमारा मन नहीं चाहता है। ना कहने से हम अपनी सीमा निश्चित करते हैं। हमें अपने स्वयं के लिए भी सीमाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जीवन जीने के लिए एक उच्च स्तर निश्चित करना भी अपने स्वयं के लिए सीमाएं निश्चित करना है। हम स्वयं से कहते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। यदि हम हमेशा ही स्वयं को या दूसरों को हाँ कहते हैं तो हमारे जीवन में कोई सीमाएं नहीं होगी और जीवन अत्यंत तनावपूर्ण तथा उलझनयुक्त हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई सीमाएं नहीं होंगी और आप दूसरों की सीमाओं का आदर नहीं करते हैं तो आप केवल मूर्ख ही नहीं परंतु जिस सरलता का आनंद आप उठा सकते हैं वह भी नहीं उठा पाएंगे। स्वयं से पूछे कि आनंदित रहने के लिए आपको किस बात की आवश्यकता है और उसी के अनुसार अपनी सीमाएं निश्चित करें। ऐसा करना गलत नहीं है परंतु बुद्धिमत्ता है। 19 स्वयं को जाने। स्वयं को जाने। आप कितने अच्छे हैं इसकी प्रमाणिकता अपने कुत्ते द्वारा की गई प्रशंसा पर निश्चित ना करें। नलैंडर्स। और यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, यूहन्ना 13:3। यदि हम यूहन्ना 13:3 से आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि यीशु ने अंगोछा पहना और अपने चेलों के पांव धोए। महानता व नम्रता का यह अत्यंत आश्चर्यजनक प्रदर्शन था। मेरा विश्वास है
कि यह करने के लिए यीशु को सामर्थ देने वाली बात यह थी कि वह स्वयं को जानता था। वह जानता था कि वह कौन है, वह कहां से आया है और वह कहां जाता है। वह यह भी जानता था कि उसे क्यों भेजा गया है। वह बिल्कुल भी असुरक्षित नहीं था, परंतु उसका आत्मविश्वास अपने पिता में था। अनेक लोग नहीं जानते कि वे कौन हैं, और फिर वे अपने जीवन भर उस काम को करने में व्यतीत करते हैं जो करने के लिए वे बुलाए नहीं गए हैं, जो करने की उनकी क्षमता नहीं है और जिसे करने में वे असफल ही रहेंगे। हमें केवल यही जानना आवश्यक नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, परंतु यह जानना भी कि हम क्या नहीं कर सकते। मेरे लिए काम करने वाले अनेक लोगों के विषय में मैंने यह दुखदायी बात देखी है। वे अपने कार्य के ऐसे स्थान पर बने रहते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, और ऐसा वे केवल भय के कारण करते हैं। इसके विपरीत मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास इतना अधिक काम होता है कि उनके सिर पर से निकल कर जाता है, परंतु वे उसे छोड़ने के लिए या अपनी स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे लिए यह कहना इतना कठिन क्यों हो जाता है? यह मेरी क्षमता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। हम असुरक्षित हैं। हम क्या करते हैं या अपने कार्य की निपुणता पर आधारित हमारा मूल्य या कीमत निश्चित करते हैं, जबकि वास्तव में हमारा मूल्य मसीह में हम कौन है इस पर निर्भर होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपके लिए केवल यही पद व नाम चिन्ह पर्याप्त है। पतर्स ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं को नहीं जानता था। वह स्वयं को वास्तविकता से अधिक समझता था। उसमें ऐसी कमियां थी जिन्हें वह मानने के लिए तैयार नहीं था, और फिर उसकी वास्तविकता के विषय में उसे कुछ कठिन पाठ पढ़ाए गए। उसने सोचा था कि वह कभी मसीह का इनकार नहीं करेगा, परंतु उसने ऐसा किया। इस घटना के द्वारा वह स्वयं को जान पाया, और जब उसने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और वह यीशु का अत्यंत महान प्रेरित बन गया। हमारे भीतर की कमियां और अक्षमता हमें कार्य के लिए अयोग्य नहीं ठहराती है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी दुर्बलता में हमें पूर्ण बनाती है। परंतु जो करने की सामर्थ परमेश्वर हमें देता है, उससे अधिक हम नहीं कर सकते हैं। मुझे एक स्त्री के विषय में स्मरण है, उसे हम जेन कहेंगे, जिनसे मुझे अपनी विचलित स्थिति के विषय में प्रार्थना करने के लिए कहा। उसकी एक सहेली को नंबर एक के स्थान पर पदोन्नति दी गई थी, और वह जेन को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही थी कि वह भी पदोन्नति के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करें। जेन ने जो आप है वह पूरी रीति से बनने का प्रयास करें, मेरा यह संदेश सुन चुकी थी, और जबकि वह नंबर एक की सेक्रेटरी होने की क्षमता नहीं रखती थी, फिर भी मेरे संदेश का असर तथा अपनी सहेली के द्वारा लगातार प्रोत्साहित किए जाने के कारण वह यह कदम उठाने के लिए दबाव में थी। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने हृदय की आवाज को सुनना चाहिए, और यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि वह नंबर दो की सेक्रेटरी बनी रहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करके उसका जीवन बिल्कुल ही सरल बन गया। वह उलझन में पड़ने से बच गई, और वह जान गई कि उसे प्रतिस्पर्धा का जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल स्वयं को जानने और जो वह है वही बने रहने की आवश्यकता थी। 20. केवल विश्वास करें। विश्वास उस बात पर विश्वास करना होता है जिसे हम देखते नहीं, और इस विश्वास का प्रतिफल वह देख पाना होता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। संत ऑगस्टीन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यूहन्ना 11:40। अपने जीवन को तुरंत सरल बनाने का तरीका है विश्वास करना।
भय, शंका, अविश्वास और अत्यधिक विवाद के कारण जीवन उलझन से व्याप्त हो जाता है, परंतु विश्वास करने की क्षमता से यह सब दूर हो जाता है। छोटे बच्चे हम जो कुछ कहते हैं वह उस पर सरलता से विश्वास करते हैं। यदि छोटे बच्चे को यह बताया जाए कि शनिवार को उसके लिए नए जूते खरीदे जाएंगे, तो वह बच्चा पूरे सप्ताह इस बात की चिंता नहीं करता रहता कि वास्तव में उसके लिए जूते खरीदे जाएंगे या नहीं। वह केवल शनिवार की प्रतीक्षा में रहता है। हमें भी परमेश्वर के साथ संबंध में ऐसे ही होना चाहिए। हमें सरलता से विश्वास करना चाहिए, या मरकुस 5:36 के किंग जेम्स के अनुवाद के अनुसार केवल विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर हमारी आवश्यकता पूरी करेगा, इसके विषय में विश्वास या भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता है। दुर्भाग्य से ऐसा कोई विश्वास का बटन नहीं है कि जिसे दबाकर आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि अब मैं कभी शंका नहीं करूंगा। यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है, और प्रतीक्षा के दौरान आपको बिल्कुल इस बालक के समान स्वभाव की आवश्यकता है। शनिवार आने वाला है। निराश होने या परेशान होने के बजाय यह जान लें कि हमें परमेश्वर के अभिवचन विश्वास तथा संयम से की गई प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। अपनी समस्या के विषय में नहीं, परंतु उसके द्वारा दिए गए अभिवचन के विषय में बात करें। हम जिन नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, उस सब से हमारा जीवन केवल उलझन से भर जाता है। प्रतीक्षा के दौरान हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अभिवाचित बातों की अपेक्षा करते हुए आनंदित रहने का चयन कर सकते हैं। हम स्थिति की ओर सरलता का व्यवहार रखते हुए केवल विश्वास कर सकते हैं। अगली बार जब आपको जीवन इतना उलझनयुक्त लगने लगता है कि आप किसी ऊंचे पुल से छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब जोर से कहना आरंभ करें, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। आपको केवल उसके वचन के ओर उसके अभिवचन खोजने के लिए जाने की आवश्यकता है। वह अभिवचन जो कहते हैं कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, देखिए व्यवस्था विवरण 31:6। वह अभिवचन जो कहता है कि वह हमारे प्रोत्साहन तथा आराम का स्रोत है, देखिए 2 कुरिन्थियों 1:3-4। इसलिए इन अभिवचनों को थामकर संपूर्ण निश्चितता से कहें, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। इसी के साथ आप शांत हो जाएंगे और अपना सामान्य कामकाज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ऐसा शायद अनेक बार कहने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु मैं अपने अनुभव से जानती हूँ कि विश्वास करने का हमारे जीवन पर बहुत आश्चर्यजनक परिणाम होता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि आनंद तथा शांति विश्वास में प्रतीत होते हैं, देखिए रोमियों 15:13। जब भी मैं परेशानी या दुख महसूस करती हूँ, तब मैं अपने विश्वास के स्तर को देखती हूँ, और मैं तुरंत देखती हूँ कि मेरी नकारात्मक भावनाओं का स्रोत क्या है। जब मैं अपने व्यवहार को संतुलित करने का प्रयत्न करती हूँ, तब स्थिति भी सामान्य होने लगती है। परमेश्वर मुझे सदा बताता है, अपने जीवन को सरल और सरल और अधिक सरल बनाओ। मैं यात्रा पर निकल चुकी हूँ, और इस समय तक तो आपने भी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया होगा। विश्वास करें और प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं।